दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके लैपटॉप कंप्यूटर में प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड नहीं हो रहे हैं तो कैसे आप इस प्रॉब्लम को सही कर सकते हो। तो अभी मैं हूँ प्ले स्टोर पे और यहाँ पे अगर मैं किसी भी ऐप को डाउनलोड करूँगा तो वो नहीं होगा। मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे व्हाट्सएप पे क्लिक करता हूँ तो अगर मैं यहाँ पे इंस्टॉल वाले बटन पे क्लिक करूँगा तो एक इरर आ जाता है। मैं इंस्टॉल पे क्लिक करा तो ऐसा इरर आ गया, दिस गूगल अकाउंट इज नॉट एड, ऐसा कुछ इरर आ जाता है। और ओके पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये ऐप हमारे लैपटॉप में इंस्टॉल नहीं हो रहा है। ऐसे करके अगर मैं किसी भी ऐप या फिर गेम को मैं यहाँ पे डाउनलोड करना चाहता हूँ वो हो ही नहीं रहा है। तो कुछ इसी प्रकार की प्रॉब्लम अगर आपके लैपटॉप में आ रही है, प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड नहीं हो रहे हैं, तो कैसे आप इस प्रॉब्लम को सही कर सकते हो और प्ले स्टोर से कैसे ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो, यही इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, वीडियोस को लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए वीडियोस को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप गूगल प्ले स्टोर ओपन करेंगे। तो हमने क्रोम पे यहाँ पे ओपन करा हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि आप डायरेक्ट प्ले स्टोर से कोई भी ऐप अपने लैपटॉप में डाउनलोड इंस्टॉल नहीं कर सकते हो, इसीलिए आप जब भी इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं ऐसा इरर आ जाता है। यहाँ पे साफ साफ लिखा भी है यू और डोंट हैव एनी डिवाइसेस। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप प्ले स्टोर से डायरेक्ट कोई भी ऐप अपने लैपटॉप में कंप्यूटर में नहीं चला सकते हो, लेकिन इसके लिए काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर आते हैं। सॉफ्टवेयर के हेल्प से आप अपने लैपटॉप में एक एंड्रॉयड डिवाइस बना सकते हो और उसमें गूगल प्ले स्टोर को डाउनलोड करके कोई भी एंड्रॉइड ऐप हो उसमें चला सकते हो। ओके, कि आपके लैपटॉप में एक नया मोबाइल बना देगा और उसमें आप कोई भी एंड्रॉइड ऐप, गेम, प्ले स्टोर सब कुछ उसमें चला सकते हो। तो कौन सा सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड करना है चलिए मैं आपको बता देता हूं। तो आप क्रोम को ओपन करेंगे अपने लैपटॉप में। मैं ओपन करा हूँ ऑलरेडी, न्यू टैब पे मैं आ जाता हूँ। यहाँ पे आप सर्च पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे सर्च कर देंगे NOX प्लेयर, नोक्स प्लेयर, जैसे आप सर्च करते हो। फर्स्ट सर्च कर देते हो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे आपको एक वेबसाइट मिल जाएगी bignox.com, आप इस पर टच करना तो यहाँ पे वो सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएगा। अगर आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे कैसे आपके लैपटॉप में एंड्रॉयड डिवाइस बनाएगा, कैसे आपके लैपटॉप में एंड्रॉयड ऐप चलेंगे, वो सब यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको एक डाउनलोड का यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, आप डाउनलोड पे क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लेना। तो मेरे में पहले से डाउनलोड है, मैंने आपको बता दिया। ओके, तो मैं यहाँ पे दिस पीसी को ओपन करता हूँ। मैं यहाँ पे डाउनलोड वाले फोल्डर में आता हूँ तो नोक्स प्लेयर है, मैं इसको जो है ओपन कर लेता हूँ। तो मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, उसके बाद में आप यस पे टच करेंगे। तो जैसे आप नोक्स प्लेयर अपने पीसी में डाउनलोड करके ओपन करते हो तो यहाँ पे आप इंस्टॉल वाले बटन पे क्लिक करना। तो इसमें 5 से 6 मिनट फर्स्ट टाइम में लग सकता है, 5 से 10 मिनट, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेंगे। तो अभी ये ओपन हो चुका है, आप यहाँ पे चाहो तो डायरेक्टली यहाँ पे प्ले स्टोर लॉगिन कर सकते हो या फिर लॉगिन लेटर पे टच कर देना। मैं लॉगिन लेटर पे टच करता हूँ, यहाँ पे एक नया यहाँ पे एंड्रॉयड सिस्टम ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैं इसका साइज आपको बता दूँ, लगभग ये 400 MB का सॉफ्टवेयर है जो कि लगभग सभी के लैपटॉप पीसीज में चल जाना चाहिए, चलेगा। ओके, कभी ओपन हो जाएगा। तो इस सॉफ्टवेयर का बेसिकली काम यही है कि आपके लैपटॉप में एक एंड्रॉयड डिवाइस इंस्टॉल कर देता है। पूरा फंक्शन यहाँ पर आपको एंड्रॉयड का मिल जाएगा। तो अभी आप क्या करेंगे, आपको एक टूल्स का आइकन मिलेगा, आप टूल्स पर क्लिक करेंगे। ऐसा आप इधर स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक प्ले स्टोर का ऑप्शन मिल जाएगा, आप प्ले स्टोर पर क्लिक करेंगे, प्ले स्टोर ओपन होगा। नीचे आप साइन इन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद में यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी एक लॉगिन कर लेंगे। ओके, और अगर एक न्यू क्रिएट करना चाहो तो नीचे खाता बनाए पर क्लिक करके एक न्यू क्रिएट कर सकते हो। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि सक्सेसफुली जो है प्ले स्टोर ओपन हो चुका है। यहाँ पे आपको फुल स्क्रीन का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर टच कर देना तो ये फुल स्क्रीन हो जाएगा। ओके, तो अभी आप यहाँ पे जिस भी एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड करना चाहते हो उसको आप लोग यहाँ पे ढूंढ लेंगे, उस पर टच कर देंगे या फिर आपको यहाँ पे सर्च का ऑप्शन मिलेगा, आप सर्च कर लेंगे उस ऐप को। तो मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे व्हाट्सअप को ढूंढ लेता हूँ। मैं यहाँ पे सर्च कर देता हूँ व्हाट्सअप। जैसे हमने यहाँ पे व्हाट्सअप सर्च करा, यहाँ पे ये व्हाट्सअप आ चुका है। अभी आप इंस्टॉल करें पे क्लिक कर देंगे, अभी ये इंस्टॉल हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हो 27 MB का है, 5% यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। तो जस्ट हम वेट करेंगे।
तो अभी जैसा कि आप देख सकते हो कि WhatsApp इंस्टॉल यानी डाउनलोड हो चुका है। अभी हम यहाँ पे ओपन पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी तरीके से फ़ोन की तरीके से ओपन हुआ है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर डाल के यहाँ पे मैं WhatsApp में लॉगिन कर सकता हूँ और इसका यूज़ कर सकता हूँ। बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल अच्छी तरीके से आपके फ़ोन के जैसा काम करेगा। तो यहाँ पर आप लोग किसी भी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, मैंने आपको WhatsApp को डाउनलोड करके दिखा दिया। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी गेम को डाउनलोड करना चाहते हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे फ्री फायर डाउनलोड करना चाहता हूँ, मैंने सर्च करा आ गया, तो आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, फ्री फायर डाउनलोड हो जाएगा और यहाँ पे आप ओपन करेंगे तो काफ़ी अच्छी तरीके से काम करता है ये लैपटॉप में। और मैंने इसको चला के देखा है, बढ़िया तरीके से काम करता है। अगर मैं डाउनलोड करके दिखाऊंगा, इसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा है तो मैंने जस्ट आपको दिखा दिया। तो आप जिस भी एंड्रॉयड ऐप को गेम को चलाना चाहते हो उसे यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और आप सिंपल यहाँ से बैक आइएगा, होम वाले बटन पर प्रेस करिएगा तो आप जिस भी ऐप को डाउनलोड करोगे ये वो ऐप जो है यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ओके, ये वाला तो जैसे कि मैंने आपके सामने व्हाट्सएप डाउनलोड किया था, यहाँ पे ऐड हो चुका है। मैं व्हाट्सएप पे क्लिक करा, जस्ट तुरंत ओपन हो गया है ना, तो मैं इसमें लॉगिन करके इसका यूज़ कर सकता हूँ। ओके, तो आपको जब भी डाउनलोड करना होगा किसी भी ऐप को, आप इसमें टूल में आइएगा और आप यहाँ पे प्ले स्टोर को ओपन करिएगा, उसे डाउनलोड करिएगा, वो यहाँ पे आ जाएगा, उसको आप चलाइएगा, है ना। बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे अपने लैपटॉप में ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, यानी इंस्टॉल करके उसको चला सकते हो। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे बिल्कुल मोबाइल के जैसे यहाँ पे नोटिफिकेशंस यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, वाईफाई का ऑप्शन, बैटरी का ऑप्शन, टाइम, और यहाँ पे स्पीकर का ऑप्शन, आवाज़ कम ज़्यादा, यहाँ पे बैक ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से बैक कर सकते हो, होम स्क्रीन कर सकते हो, है ना। तो ये आइकन आपको मिल जाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक ऑप्शन, तो इस पर क्लिक करोगे तो ये फुल स्क्रीन हो जाएगा। और इसमें भी आपको ब्राउज़र मिल जाता है, गूगल वगैरह सब कुछ, है ना। और यहाँ पे टूल्स में आओगे तो आपको सेटिंग्स भी यहाँ पे मिल जाती है, आपका जो नया डिवाइस क्रिएट हुआ होता है आपके लैपटॉप में, है ना, तो पूरा मोबाइल जैसा यहाँ पे सेटिंग मिलता है। ओके, गैलरी भी मिल जाती है और यहाँ पे आप देख सकते हो सभी ऐप, कैमरे मिल जाते हैं इसमें। मान लीजिए आपको इसको कट करना है तो आपको साइड में एक कट का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये कट हो जाएगा। आपको जब भी चलाना होगा तो आप क्या करेंगे, नोक्स प्लेयर को डायरेक्ट ऐसे ओपन करेंगे, तो जैसे आप ओपन करते हो तो ये ओपन हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे कि हमने दोबारा से ओपन करा, यहाँ पे नोक्स प्लेयर ओपन हो चुका है। ओके, तो मतलब कि ये जो नोक्स प्लेयर सॉफ्टवेयर है, ये आप समझ लीजिए ये आपका एंड्रॉयड मोबाइल इसमें है, आप इसको ओपन करोगे सभी एंड्रॉयड ऐप इसके अंदर मिल जाएंगे, प्ले स्टोर वगैरह सब कुछ, है ना। तो आई होप आपको पता चल गया होगा। तो इस प्रकार से आप अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में गूगल प्ले स्टोर को डाउनलोड कर सकते हो और उसमें सभी एंड्रॉयड ऐप का यूज़ कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियोज़ को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आओ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पेंड करते हैं, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।